कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले लखनऊ की खबर है, जहां कोरोना वॉरियर्स जो लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं, उन लोगों को स्वस्थ रहने के लिए लखनऊ के सदर तहसील में सांसद कौशल किशोर ने पहुंचकर SDM और कार्यालय के लोगों को उत्साह वर्धन बढ़ाने के लिए फूल और सैनिटाइजर वितरित किया। आपको बता दें कि आज के समय में कोरोना वॉरियर्स जो पुलिस, डॉक्टर, जनता की सेवा में रात दिन लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का उत्साह वर्धन और मनोबल बढ़ाने के लिए सांसद कौशल किशोर हर जगह जाके फूल और सैनिटाइजर, फल फ्रूट बांट रहे हैं, साथ ही गरीब लोगों को राशन भी वितरित कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कौशल किशोर से अलाइव 24 के संवाददाता राजन सिंह ने बातचीत की। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ का ये सदर तहसील है। आपको बता दें कि यहाँ पे सांसद कौशल किशोर जी आ गए हैं और क्या कुछ यहाँ पे, कैसे प्रोग्राम यहाँ पे, जिस तरह से लाइन लगे हुए लोग, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, हम जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, ये किस तरह का यहाँ पे प्रोग्राम होगा, क्या यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे सदर तहसील है ये, तो सदर तहसील में जो भी SDM साहब हैं, जिला तहसीलदार जी हैं, तहसील के सभी जो अधिकारीगढ़ हैं, कर्मचारीगढ़ हैं, इस समय पूरी तरीके से जो है कोरोना वायरस से जूझने का काम कर रहा है। लोगों को राशन पहुंचाना, लोगों की देखभाल करना, जो बाहर से ट्रेन वगैरह से आ रहे हैं, जो मजदूर आ रहे हैं, उन लोगों का इंतजाम करना, उनको पहुंचाना, या जो भी कोरोना पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं उनको हॉस्पिटल तक के पहुँचाना, उनका ट्रीटमेंट कराना, तो एक तरीके से देश हित में, राष्ट्र हित में काम पूरी तरीके से करने का काम कर रहे हैं और जन भावनाओं से पूरी तरीके से ओत प्रोत होकर के ऐसी तरह काम कर रहे हैं जैसे हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, पूरी तरीके से समर्पित होकर के अपना समर्पण किए हुए हैं। इसलिए हमारी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कि ऐसे लोगों का जो है सम्मान होना चाहिए, तो उसी का लिए आए हैं कि हम यहाँ पर SDM साहब का और बाकी जो यहाँ के कर्मचारी अधिकारीगण हैं उनका सबका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। जी जैसा ये प्रोग्राम आप सर हर दिन कहीं ना कहीं करते हैं, कभी पुलिस वालों के साथ तो कभी जो है आम पब्लिक के साथ, आज सर यहाँ पे और भी, यहाँ के बाद और भी कहीं जाने वाले हैं? अभी मैं जाऊँगा खुरदई बाज़ार में, खुरदई बाज़ार में वहाँ का मुझे 15 लोग चेक दे रहे हैं प्रधानमंत्री फंड में, वहाँ जाऊँगा। उसके बाद मैं SPRA साहब का दफ्तर है और उनका है DCP साहब का, तो वहाँ पे वहाँ के जो पुलिस का स्टाफ है कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनका वेलकम करेंगे। जैसे कि हमारे साथ कौशल किशोर जी मौजूद हैं और यहाँ पे उत्साह वर्धन बढ़ाने के लिए जो यहाँ पे SDM साहब की जो टीम है आप देख सकते हैं इस तरह इधर, उनको जो कोरोना से जो पीड़ित हैं लोग और जो अन्य ज़िले में जो जाने के लिए जो इच्छुक लोग यहाँ पे आते हैं उनको ये लोग प्रोत्साहित करते हैं और ये कोरोना वायरस से ये हमारे जो वॉरियर हैं ये लड़ रहे हैं, इनका उत्साह वर्धन करने के लिए आज यहाँ पे कौशल किशोर सांसद जी आए हैं। इनको जो है आप देख सकते हैं कि इनके लिए जो एक जिस तरह से ये फेस मास्क है और भी जो चीजें हैं उनको दे के और उनका उत्साह वर्धन बढ़ाएंगे। लखनऊ से लाइव 24 के लिए राजन सिंह। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान भी बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। ताजा मामला गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र स्थित कौशलपुरी चौकी के पास का है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर 21 वर्षीय युवक को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की जानकारी पाते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि DCP पूर्वी सोमेन वर्मा ने बताया कि गोमती नगर विस्तार थाने पर एक सूचना मिली थी जिसमें एक व्यक्ति सड़क पर लेटा हुआ है और जो घायल है। थाने की पुलिस तत्काल वहां पहुंच गई और उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि मृतक लड़के के सिर पर पीछे चोट के निशान है, संभवतः हो सकता है किसी के द्वारा इसे लाठी डंडे से चोट पहुंचाया गया हो। दूसरी बात ये है कि भाई से बात करने पर मालूम हुआ कि मृतक नशे का आदी था। उन्होंने कहा मृतक आए दिन चरस, गांजा आदि का सेवन करने के साथ ही शराब भी पीता था। फिलहाल पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है और इस मामले को लेकर कई टीमें भी गठित की गई हैं, जिससे कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जा सके। एक व्यक्ति सड़क पे लेटा हुआ है, वो
बुखार है, तो थाने की पुलिस तत्काल वहाँ पर जाती है, उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजती है। जब हॉस्पिटल में पहुँचता है वो व्यक्ति, तब पता चलता है कि उसको वहाँ पर डेथ हो चुकी है। प्रथम दृष्टि इतना लगा कि इस लड़के के सर के पीछे चोट के निशान है, संभवतः किसी, हो सकता है किसी के द्वारा लाठी या डंडे से इसको चोट पहुंचाया गया हो। दूसरी बात है, इसकी नाम है रोहित उर्फ अजगर, इसकी उम्र करीबो करीब 21 साल है। जब इनके भाई रिंकू से हमने बात किया तो पता चला कि ये लगातार नशे का आदि है, चरस ये गांजा वगैरह सेवन करता था, शराब भी पीता है, फिलहाल कोई काम नहीं करता है और अलग अलग स्थानों पर घूमता फिरता रहता है। जिस तरीके से ये घटना हमें लगा है अभी तक, उसमें लग रहा है कि कोई पुरानी हो सकता है जान पहचान हो, लेकिन राइट नाउ कुछ भी कंक्लूड करना समीचीन नहीं होगा। हमारे उनके घर वाले यहाँ पे आए हुए हैं, फादर वहाँ पे आए हुए हैं थाने पर, उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है, हम मुकदमा लिखवाएंगे, मुकदमा लिख रहे हैं। इसके अलावा तीन टीम गठित कर दी गई है जो लगातार जो है इस घटना के अलग अलग पहलुओं पर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिए हैं। ये घटना करीबो करीब हमें जो सूचना मिली थी 4:30-5 बजे के आसपास की सूचना मिली है, जिस समय वो आधी तूफान का समय था, वही वाला टाइम ये था। देखिए टीम जो है कल एक गैंग पे काम कर रही है जो चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसी के संबंध में इनके पास एक मुखबिर और एक आदमी था जिसने उस मीट कारोबारी कुरेशी पे कहा कि ये आपको लिंक बता पाएगा क्योंकि इसके यहाँ उनका उठना बैठना है, उसी के संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही थी, जिसमें वहाँ पे उनके द्वारा पब्लिक को बुला लिया गया और पब्लिक ने वहाँ पे उनको क्राइम टीम को घेर लिया और ये आरोप आया है कि इसमें पैसे की मांग की गई है। इसके लिए हमने अभी प्रथम दृष्टया ऐसा पैसे का मामला नहीं है क्योंकि इसमें क्राइम टीम जो है वही कभी दो एक मुखबिर और एक जो हमारे पास एक कड़ी थी आगे जिसने कुरेशी के बारे में बताया था वो दोनों साथ में चल रहे थे, लेकिन अगर इसमें किसी तरह की कोई भी बात आती है इन सब के सभी तथ्यों की निष्पक्ष जाँच करने के लिए एडिशनल DCP को ये जाँच दी गई है और जिस प्रकार से आगे रिपोर्टिंग होगी उसमें आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिसको पकड़ने के लिए गए थे क्या उसके ऊपर पहले भी अपराधी का इतिहास रहा है या कुछ मुकदमे? उसके ऊपर तकरीबन देखिए जिसके लिए गए हैं उन दो लड़कों के ऊपर तकरीबन 40 मुकदमे रहे हैं जिस पे ये कार्रवाई गैंग पे ये काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लखनऊ की DM अभिषेक प्रकाश ने आज 4 बाग पहुंचकर मजदूरों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता परखी। इसके साथ ही DM ने कैसर बाग सब्जी मंडी का भी औचक निरीक्षण किया। अगली खबर हरदोई जिले की है, जहां उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक अनियंत्रित पिकअप डाला पलट गया जिसमें 5 लोग उसके नीचे दब गए, 2 लोग किसी तरह बाहर निकल आए, वहीं हादसे में 3 की मौत हो गई। मामला बिल ग्राम कोतवाली क्षेत्र के जफरपुर गांव का है। यहां भूसे से भरा अनियंत्रित पिकअप डाला पलटने से 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। पिकअप डाला बिल ग्राम से भूसा लेकर गौशाला की तरफ जा रहा था। बिल ग्राम कन्नौज मार्ग पर जफरपुर गांव के बाहर सड़क के किनारे ग्रामीण बैठे थे, डाला उनके ऊपर पलट गया जिससे 5 लोग उसके नीचे दब गए, जिसमें 3 की मौत हो गई जबकि 2 घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर बाराबंकी की है, जहां बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के ठाकुर द्वारा वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे वार्ड को एहतियातन सील कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Alive24News। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive24News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।